कबीर सेवा को दोए पले। एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्त को, संत जपावे नाम। कबीर जह मार्ग पंडित गए, पाछे परी बहीर, एक अवगट काटी राम की। तेह चढ़ रहो कबीर, एक अवकट काटी राम की। तेह चढ़ रहो कबीर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सच्चे सतगुरु पातशाह दे पावन दरबार विच सत संगत दे महान तीर्थ ते विराजमान हो रहे गुरु प्यार वाले गुरु सवारी सत संगी जन। भगत बाबा कबीर साहब जी दे पावन श्लोक नंबर 164 ते 165 स्क्रीन दे उपर भी आप देख रहे हो पाठ उच्चारण होया है। संगति रूप आपां सरवण भी कीता है। इन्हां दो श्लोकां नूं अज आपां विचारना है। एक बचन गुरमुख ध्यान में समझो परम तत्। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की बाणी दे विच ना बहुत शब्द ऐसे होंगे जिन्हां शब्दां दे करके गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दे पर्दे दे पिछे अपने आप नाल जोड़न दे विच कुछ शब्दां नूं वरत्या गया। गुरु ग्रंथ साहिब जी दी छां लैके अपने आप नाल जोड़न दे लई बहुत लोकां ने गुरु की बाणी दे शब्दां नूं वरत लिया। देखो जी गुरु साहब ये कह रहे हैं जदों गहराई दे नाल असी उन्हां शब्दां नूं समझिया ते पता लग्या भी ये तां गल बिल्कुल ही उस तों उल्ट है। फिर की पता लग्या भी गल कोल बिल्कुल ही उस तों उल्ट है। ये तां जिहड़ी चीज़ कीती जा रही है उहदे विरोध विच खड़ी है गल। तां जिवें उदाहरण दे जावां, हजूर साहब जाओ, पटना साहब जाओ, नानक सर वाले बाबियां दीआं ठाठां च जाओ, संप्रदावां च जाओ, भावें टकसाल चले जाओ, बहुत सारियां टकसालां भी ने जिथे ना आरती कीती जांदी है। शब्द में वरत्या, आरती पढ़ी नहीं जांदी, आरती कीती जांदी है। आरती करन दा भाव भी दीवे लैके थाल विच रख के ते फिर वो जिवें मंदिर दे विच मूर्ति दे अगे घुमाउंदे आ, गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह अगे घुमाया जांदा है। इदां हुंदा तुसीं वेख्या होणा, आपां देखिया बहुतिया ने, ते नाल नाल शब्द कहिड़ा पढ़िया जा रहा हुंदा, गगन में थाल, रव चंद दीपक बने, तारका मंडल, जनक मोति, धूप मलियान लो, पवन चबरो करे, सगल बनराए, फुलंत ज्योति, कैसी आरती होए, भव खंडना तेरी आरती। लै हुण ते वो जद तक असी भोले रहे, कह लो अणजाण रहे, ते असी भी पिछे खड़ के सिर मारदी रहे,
अच्छा जदों गल अर्थां दी समझ आई फिर पता लग्या भी ये तो दीवियां वाली आरती का विरोध हो रहा है। फिर ये पता लग्या पहला उसे नूं थाल घुमा के उही शब्द गाउंदे रहे इदां जदों उहदे अर्थां नूं समझा फिर पता लग्या भी गुरु नानक साहिब पातशाह आ दीवियां वाली आरती नूं छड्डण नूं कह रहे इहदे विच तां भी नाम तेरो आरती मज्जन मर गाउंदे नहीं नाम तेरो आरती मज्जन मरारे ते घमाई तुसी दीवे जाने हो भाई ते बाबा नामदेव साहब कह रहे ने परमात्मा तेरा नाम जपना ही आरती है नाम तेरो आरती तेरा नाम जपना ही आरती है सच्ची इदा होया ना। फिर गगन में थाल रब चंद दीपक बने हुण थाल च रख के दीवे ते नाल ये कहना भी गगन में थाल इहदा अर्थ की बनिया भी गुरु नानक साहब तो ये कह रहे हैं भी तू की थाल चक्की फिरदा रब ने थाल बनाया गगन तू की दीवे जगाना फिरदा रब ने दीवे जगाए हुए है रब चंद दीपक बने तेरे दीवे कि रब दे बनाए सूर चंद्रमा तो वड्डे हो सकते है तेरे दीवे तो हुण बुझ जाते हैं वो रब दे जगाए रब चंद चंद्रमा ते सूरज दीवे देख तो सही कदों दे जग रहे हैं तू की दीवे जगा के आरती करेगा रब की आरती तो हो रही है चंगा यह है आ दीवियां दियां आरतियां छड़ के रब की हो रही आरती दे विच शामिल हो जाए गुरमुख फिर हैरानी होंदी है ना भी असी कमाल है भी किदां दे बंदे ने भी गुरु नानक साहिब पातशाह छड़न नूं कह रहे है ये शब्द का की करी जांदे आ इदां बहुत शब्द बाणी अंदर इस तरह का ये शब्द है ये मैं बेनतियां तुहानूं तां कीतियां हुण जिन्नी सुखमनी साहब की बाणी के नाम के उत्ते साडे कौम के विच सानूं मूर्ख बनाया गया उन्ना किसी होर बाणी नाल ते व्यापार नहीं होया जिन्ना व्यापार सुखमनी साहब की बाणी के नाम ते बाबिया ने किया ते जे सुखमनी साहब की बाणी नूं समझ लईए ते फिर समझ आउंदी है भी ये तो बिल्कुल गल उस तों उल्ट है इस तरह ही तो ये जो शब्द है ना बाबा कबीर साहब का कबीर सेवा को दोए भले एक संत एक राम हुण जिहड़े जिहड़े संप्रदाई है वह भी कहिंदे ने कहिण लगे जी देखो सेवा करन दे लई दो बंदे चंगे ने एक संत दी करो एक राम दी करो ते संत कौन ने साडे बाबा जी करिया करो सेवा गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह कहिंदे संत शरण जो जन परे सो जन उदरन हार देखो गुरु जी तो कहिंदे पए आ भी भाई संतां दी शरण पएगा ते तां ही उधार होएगा कहा जांदा कि नहीं कहा जांदा जदों कोई मेरे वर्गा ज्ञानी कोई इदां दी गल कर दिंदा फिर कहिंदे संत कनिंदा नानका बौर बौर अवतार संत कनिंद कमहा अतताई है हुंदा ना इदां गल तो यह है भी गल संत शब्द की थोड़ा है गुरबाणी अंदर संत शब्द वरत्या कि ठीक है भाई हुण ते थां थां डेरे बैठे आ संत जदों ये बाणी उचारण हो रही है उदों किहड़े संत नूं कहा जा रहा है नुक्ता तुहानूं समझण वाला की हुंदा जदों गुरु नानक गुरु अर्जन साहिब पातशाह संत शब्द की महिमा गा रहे है उन दसो भाई तुहाडे विच्चों किहड़ा संत सी उदों फिर कहना पैंदा उदों तां कोई संत नहीं सी फिर उदों किहनूं कहा जा रहा है उदों किहनूं कहा जा रहा गल तां इह है ना इस तरह यह समझना है बड़े ध्यान यतन करदा मैं सौखी तरीके नाल समझिए तो कबीर साहब की कह रहे ने सेवा को दोए भले इत्थे असल विच दुनियावी संतां नूं पासे करके एक गुरु संतना जुड़न की गल हो रही है ऐ बंदे आ जे तू सेवा करनी है कबीर हे कबीर सेवा कहो जे तू सेवा करनी चाहना है दोए भले दो ही चंगे है तीजा नहीं है कोई जे तू सेवा करनी है आ दोवां दी कर
ਕਿਹੜਿਆਂ ਦੀ? ਇੱਕ ਏਕ ਸੰਤ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਦੀ ਕਰ, ਇੱਕ ਰਾਮ ਦੀ ਕਰ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਦੀ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਮਝੋ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ, ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਵੀ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਗ ਹੋਆ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ, ਆਉਂਦਾ ਨਾ? ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਏ ਮੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੰਤ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੰਤ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ? ਗੁਰੂ ਕਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦਾ? ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਰਥ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੰਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵੋ ਸੰਤ ਪਿਆਰਿਓ ਕਥ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਹਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਆਵੋ ਸੰਤ ਪਿਆਰਿਓ। ਇੱਦਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਲੰਮੀ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮੇ ਉਹ ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਕਾ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾ ਜੋ ਬੋਲੈ ਹਰ ਹਰ ਬਾਣੀ। ਹਰੀ ਦਾ ਸੰਤ ਕੌਣ ਹੈ ਭਾਈ? ਸਤਿਗੁਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹਰੀ ਦਾ ਸੰਤ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹ, ਹਰ ਕਾ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖ। ਸਤਿਪੁਰਖ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸੱਚਾ ਸੰਤ ਹੈ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਹਰ ਹਰ ਬਾਣੀ, ਜੋ ਹਰੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ, ਜੋ ਜੋ ਕਹੇ ਸੁਣੈ ਸੋ ਮੁਕਤਾ। ਜੋ ਭਾਈ ਇਸ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਦਾ, ਹਮ ਤਿਸ ਕਹਿ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਬਣਿਆ ਜੀ? ਗੁਰੂ। ਬਸ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਸੰਤ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਗੁਰੂ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੋ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਰ। ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਅਰਥ ਪਕੜ ਤਾਂ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਸੇਵਾ? ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਕੱਲੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਣਾ, ਝਾੜੂ ਮਾਰਨਾ, ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਭਾਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲੈ ਲਓ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਥਮ ਆਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਦਵਾਈ ਐਦੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਆਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ, ਦੂਜਾ ਸਟੈਪ, ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਸਟੈਪ ਪੱਟਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਚੌਥੇ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਚੌਥੇ ਸਟੈਪ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਕਰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਜੀ? ਜੋ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਤੂੰ। ਅਰਥ ਕੀ ਬਣਿਆ?
भी अपनी मर्जी नाल ना करिया कर। पहला ये तो पुछ भी सेवा हुंदी की है, गुरु दी बाणी पढ़नी ये पहली सेवा है। गुरु पुछ पहली सेवा क्यों है, ये उहदा कारण है क्यों, क्योंकि मान लो गुरु पातशाह कहिंदे भी तू सेवा तो हत्थी सेवा तो कर रहे हैं, हत्थी सेवा तू करना है, पर सतगुरु पातशाह कहिंदे मत थोड़ी सेव गवाई है, जे थोड़ी मत होवे सेवा गवाच जाती है। आसा दी वार पढ़ते हैं असी, धर्मी धर्म करें अगे की है गवावें, धर्म दी दुनिया दे लोग धर्म कमाउंदे ने पर गवा बैठते ने। क्यों गवा बैठते ने, मंगें मुख द्वार, मंग लेंदे मंग रख लेंदे है। तैनू गुरु ने दसना भी ये सेवा किहड़ी भावना ना करनी है, जे तू हत्थी हत्थी पैरी सेवा भी करना है तो तैनू पहला गुरु दे बाणी दी विचार दी सेवा करनी चाहिए है। क्यों, तैनू ये पता लग सके भी यह हत्थां पैरां वाली सेवा करनी किवें है। इहदे लई सब तो पहली सेवा है गुरु के शब्द नू, गुरु की बाणी नू पढ़ना, गुरु की बाणी नू समझना, ये गुरमुखों पहली सेवा है। जे ये पहली सेवा नहीं करांगे ना तो कई बार भांडे मांजदियां मांजदियां जिंदगी लंघ जाती है, हंकार ही नहीं मिटदा। हुंदा इदां इदां हुंदा, कई कई बार इदां हुंदा है। क्यों, क्योंकि भावना नहीं ना बनती। भावना कदों बनेगी, जदों पहला गुरु की बाणी नाल जुड़ांगे, गुरु के शब्द जुड़ांगे, गुरु भावना फिर बनती। मैं कई बार बेनती करता हुंदा, झाड़ू तो साडियां बीबियां भैणां घरे भी मार दियां, कदे कहा भी सेवा कर दियां पईआं, भांडे तो घरे भी धोंदियां ने। हुंदा इदां, इत्थे 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 क्यों कहने भी गुरु की सेवा हो रही है, क्योंकि उस कर्म के पिछे गुरु खड़ा है। इको ही कारण हुंदा है जी, की कारण है, जिहड़ी असी गुरद्वारे सत्थी पैरी सेवा करते हैं उस सेवा के पिछे गुरु खड़ा है। मैं ये सोच के कर रहा हाँ कि मैं गुरु की सेवा कर रहा हूँ। मैं ना कई बार संगतां नूं बेनती करता हुंदा, लंगर प्रशादा ही पकाने हैं, सिख ये सोचता है कि मैं रक्ष वाले नूं खवाने हैं, सोचते हैं कदे आपां इदां नहीं, मैं तो वो गरीब चल के आउणगे प्रवासी उन्होंने नहीं, की सोचते हैं। सेवा दे पिछे भावना खड़ी हुंदी है, भावना की होनी चाहिए है, ये प्रशादे जो मैं बना रहा ये गुरु गोबिंद सिंह ने छकने हैं, भावना होवे पिछे, ये भावना तो होनी गुरु ने छकने हैं। सिख जोड़े घर में भी जो बैठता ना जोड़े साफ करता है, उहदा भाव की हुंदा है, गुरु की सेवा कर रहा हाँ जी। तो वह गरीब किसी गरीब के हुंदे जुत्ते, तो कई बार करोड़पति बंदा किसी रक्षे वाले के जुत्ते साफ कर रहा हुंदा है, कर देंगे वैसे आपां, पर पिछे भावना जदों गुरु की खड़ी होवे फिर कर दिंदे आ, पिछे गुरु खड़ा है ना गल तां ही बनती है ना। इस तरह साढ़े हर कर्म के पिछे जदों गुरु की बाणी खड़ी होगी, साढ़े किसी भी कर्म के पिछे जदों गुरु की बाणी खड़ी होगी, गुरु का वचन खड़ा होगा, फिर गुरमुख वो कर्म सेवा बनता है। जे पिछे हुण तुसीं देखो कृपान आपां पाउणे आ, कृपान तो औरंगजेब भी पाउंदा, कृपान तो औरंगजेब भी पाउंदा ना, पर जिहड़ी सिख दे पाई कृपाण उहदा फर्क की है, उहदे पिछे गुरु खड़ा है। साडी कृपाण दे पिछे कौन खड़ा है, गुरु खड़ा। आपां कहिंदे गुरु दी बख्शिश है इह, केस तां सारे लोग रखदे आ, केस तां उह वी रख जिहड़े गुरु नूं मनदे नहीं, पर सिख ने केस रखे आ पिछे की है, कहिंदा गुरु दा हुक्म है, पिछे गुरु खड़ा है ना। तो सिख दे हर कर्म दे पिछे जदों गुरु खड़ा होवेगा ना, फिर वो कर्म सेवा बन जाता है, क्योंकि उस कर्म के पिछे फिर होमे नहीं होगी, हंकार नहीं होगा, जात पात नहीं होगी, फिर वो कर्म सेवा, क्योंकि भावना ना जिहड़ी भावना ने ही कर्म नूं सेवा बनाउणा है, साडी नीयत ने। इस करके कबीर सेवा को दोए भले, इहदे कई विद्वान इदां सेवा दे अर्थ सिमरन भी करते हैं, भी सिमरन करन लई दो ही चंगे ने,
एक संत एक राम, एक गुरु एक परमेश्वर। पुछा दो ही क्यों चंगे कहा, दोनों नू क्यों भले कहा जी। कहन लगे राम जो दाता मुक्त को, परमेश्वर दी सेवा इस करके करनी है क्योंकि परमेश्वर मुक्ति दा दाता है, वो मुक्ति देन वाला है। संत जपावै नाम, गुरु संत दी सेवा इस करके करनी है क्योंकि जेडे नाम नू जप के मुक्ति प्राप्त करनी है वो नाम दी दात गुरु को मिलनी है। सतगुर सिखो नाम धन दे, जिहड़े नाम नू जप के तू मुक्ति प्राप्त परमेश्वर दे कोलों मुक्ति प्राप्त करनी है, नाम जपेगा मुक्ति परमेश्वर ने देनी है, इस करके परमेश्वर दी सेवा कर। पर जिहड़े नाम नू जप के मुक्ति पाउनी है वो नाम गुरु कोलों मिलने, इस करके गुरु दी कर, बस दो दी करनी है। निंद चेता करो, बाबा कबीर साहब ने कहा, कहन लगे अंतर मैल जे तीर्थ ना आवै तिस बै कुंठ ना जाना, लोक पति ने कछु ना होवै ना ही राम अयाना, पूजो राम एक ही देवा साचा नामन गुर की सेवा। कहा ना गुरु की सेवा की है, कहिंदे सच्ची बाणी च आत्मा नू इशनान कराउणा यही गुरु की सेवा है। साचा नामन सच्चा इशनान करना, सच्चे इशनान का की अर्थ है, आत्मा का इशनान, अपनी आत्मा नू गुरु की बाणी च डबो देना, यह भी गुरु की सेवा है। गुरमुखो आ तुसी बैठे असी बैठे सेवा ही कर रहे हैं गुरु की, अपना मन गुरु की बाणी नाल लाया होया है, यह गुरु की सेवा ही है, यह गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह ने कहा। तो राम जो दाता मुक्त को, संत जपावै नाम, इन्हां दोनों की करनी है। कबीर जह मार्ग पंडित गए पाछै परी बहीर, कबीर साहब रहिंदे ने बनारस, गुरमुखो बनारस विच पंडतां दा राज चलदा है, पंडित नूं गुरु मन्निया जांदा है, इस करके वड्डे तो वड्डा अवतारी पुरश है वह भी पंडित दी कही गल नूं मोड़ नहीं सकता। इदां होया, कहन लगे जिस जिहे मार्ग पंडित गए, पंडित का की अर्थ है, जिहड़े कर्म कांडा दे मार्ग ते पंडित चलते पे है, पाछै परी बहीर भीड़ा चलदियां पईयां हुंदा है। एक अवघट घाटी औखी घाटी है राम की, राम का की अर्थ है राम दे सिमरन दी, राम का की अर्थ वाहेगुरु परमेश्वर, एक परमेश्वर की औखी घाटी है। तेह चढ़ रहे हो कबीर, कहिंदे कल्ला कबीर ही चल रहा है। हुण इह नुक्ता समझो की है, गुरमुखो सच यह है कि परमेश्वर के नाम नूं छड़ के होर कम बंदा सारे कम करन नूं तैयार है, सारे कम करन नूं तैयार है, दान पुन देण नूं भी तैयार है। कह दे के ना भी यात्रा ते जाना है, हजूर साहब चले गए उदों ही चलो, तो जे कह दिए अपने गुरुद्वारे चल गए फिर नहीं आउंदा। भी कमाल है, हजूर साहब नेड़े है गुरुद्वारा नेड़े है, हुंदा कि नहीं हुंदा। इदां जे कह दिए भी गुरुद्वारे का लंगर की इमारत पैनी है, 5000 दो 10000 दे देंगे जी, जे कह दिए 10 मिनट गुरुद्वारे आके बह जाया कर, टाइम है नहीं जी, हुंदा ना इदां, इदां हुंदा। जे कह दो 10000 लगना खंड पाठ ते करा देंगे जी, 10000 देने नूं तैयार हाँ, पर 10 मिनट बाणी सुनने नूं तैयार नहीं हाँ। इदां वैसे जे बाहर कह दे ना भी तैनूं 10 मिनट आह कम करना 5000 बनता फिर कर लेगा, कमाल है बंदे दी। तो जिहड़े कम सौ कर्म कांडा दी कम ने, जिहड़े पंडतां दा की अर्थ है, जिहड़े कम पंडित करन नूं कहिंदे है, उन्हां कर्मां नूं बंदा गुरमुखो तैयार हो जांदा है। शायद मैं गल सांझी कीती सी, मैं गुरमुखो इंदौर सी, उत्थे ना सिंधी लोग हुंदे ने बहुत, बड़ी उन्हां च भावना हुंदी है, वह भी गुरद्वारा साहिब बड़े बड़े लखां सिंधी जुड़े ने गुरु नाल, उन्हां विच्चों कई बाणी दे ज्ञानकार भी ने, कई नवें नवें भी जुड़े हुंदे ने, कई कर्मकांड दा भी करी जांदे, इदां ही है साडे वांगू ही है, जिवें असीं अद्धे
अद्धे क मनते अद्धे क बाणी नहीं मानते। उन्हें जो मैं गया नवा मार्च का फरवरी का महीना वो दो दिन बाद ना कोई बीबी पेन लैके आ जी ज्ञानी जी आ एक ओंकार लिखो जी। अच्छा मैनू नहीं सी पता वो एक ओंकार मैं लिख के जिदा करा वो सवेरे भी दो आन शाम भी चार आन। एक दिन मैं पूछा सेवादार तो मैं कहा भी गल की है कोई रवाज है वो कहिंदा ज्ञानी जी सच दसा पेपर नेड़े है जवाकां दे पेपर नेड़े है तो ये भरोसा बहुत करते भी जेडे गुरद्वारे के भाई होंगे उन्होंने बड़ा सत्कार करते भरोसा बहुत करते। अच्छा फिर कहते ना जेडे पेन ना तुहाडे कोल एक ओंकार लिख के ले जाते हैं ये बच्चे कहेंदे भी इस पेन ना पेपर करके आई बाबा जी दे हाथ लगे आ पास हो जाएगा। इदा भी बाबा जी ज्ञानी जी के गुरद्वारे बाबा जी के हाथ लगे हुए है इस करके ना ये पेन ना पेपर करके आई। मैं क्या भी हो सकता है भी ये बाबा जी का पेन फेड ही करा दे बच्चे नू। बच्चे ने कहना पढ़ने की तो लोड़ ही नहीं बाबे ने हाथ लाए है होएगा कि नहीं होएगा। इदा भी हुण बाबे ने हाथ लाए पढ़ने तो लोड़ ही कोई नहीं हुण इदा हुंदा है गुरमुख कई बार उल्ट भी पै जाती है गल कहण दा भाव भी वह कम सुख है जिहड़ा कम सौखा होवे असीं पैसे दे के भी करवाउण नू तैयार हाँ। वैसे बंदा कहिंदा मैं पैसे नहीं सब कुछ कर सकदा है पर कर्म कांड पखंडा वास्ते पहला तुर पैंदा है। इदां करके इस करके गुरु पातशाह कबीर साहब कहिंदे जेहे मार्ग पंडित गए जिस मार्ग ते पंडित चलदे पए सन पाछै परी बहीर उन्हां दे पिछे भीड़ां चलदियां ने। खंड पाठ लड़ी शुरू कर लो इत्थे वार नहीं आउणा खंड पाठां दी लड़ी दा साडा कर दो जी साडा कर दो हुंदा इदां बहुत हुंदा गुरु। इस करके भीड़ां चलदियां ने सौ कम वाले पासे बंदे नूं बस नाम ना बाणी खुद ना पढ़नी पवे कुछ मर्जी करा लो। एक अवगट घाटी राम की ये अवगट घाटी की है औखी घाटी की है। हुण समझो जे एक बचन असीं रोजाना पढ़दे हां आखां जीवां विसरै मर जाऊं आखण औखा साचा नाऊं। हुण आखण औखा साचा नाऊं औखा की है किते वाहिगुरु वाहिगुरु कहना औखा है कहना नहीं औखा उहदा कारण है। गुरु अमरदास का वचन समझो भगतां की चाल निराली आ औखा है। रब दे भगतां दी चाल दा की अर्थ है जिंदगी जिउण दा ढंग वखरा हुंदा है। चाल दा अर्थ पैरां वाली तोर नहीं बनदा कल्ला अर्थ की बनदा ये दुनिया तो वखरी चाल चलदे है। इन्हां दा रहना रब दे भगतां दा रहना सहना बोलना चलना दुनिया तो निराला हुंदा है। भगतां की चाल निराली क्यों निराली है जी विखम मार्ग चलना अवगढ़ घाटी कहिंदे ओ औखे मार्ग ते चलण नूं वी तैयार रहिंदे आ। गल औखे सौखे दी नहीं गल है मंजिल मिलेगी किहड़े उत्ते रस्ता कच्चा ही होवे पर मंजिल तक लै के जांदा होवे। सड़क पक्की की करनी है जिहड़ी दूरी लै जाए किते होर ही इदां गल। गुरु नानक साहब ने बिल्कुल सानू स्ट्रेट दिता इंज रस्ता सिद्धम सिद्धा आसे पासे नहीं वेखना सीधा चल एक ओंकार वाले पासे। इदां करके कहन लगे भगतां की चाल निराली चाला निराली भगतां केरी विखम मार्ग चलना लभ लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुता नाही बोलण औखा है। राम नाम वाहिगुरु कहना कहना नहीं कोई औखा आ आ आ छड़ना औखा है। ये घाटी औखी है कि काम भी छड क्रोध भी छड होमे भी छड हंकार भी छड। गुरु ने खुशता तां होना बंदा कहिंदा फिर हंकार भी छड्डण दी लोड़ नहीं होमे छड्डण दी भी लोड़ नहीं बाबा जी ने कुछ कर लैने आ। ये तां कम औखा है इदां हुंदा गुरमुखो। इस करके जिहड़ा ये आ सच दा रस्ता ना ये सौखा नहीं है। सौखे दा की अर्थ है कि इह बहुत कुछ छड्डना पैंदा है। हुण किसी सीधा कह दो भी तू सिख है बोले जी बन नूं तैयार है उन्हें केस रखने पैणगे अमृत वेले जागना पएगा झूठ छड्डना पएगा फिर कहिंदे ये कम औखा है। फिर कहिंदे ये कम औखा हुंदा है ना। वैसे सिख हर कोई बनन नूं तैयार है
हर बंदा सिख बनने को तैयार हो, कहिंदा केस रख, जात पात छड, होमे हंकार छड, फिर कहिंदा औखा है जी, क्योंकि ये राम की घाटी तो गुरमुखो यही है सच का मार्ग। इस करके कहन लगे कबीर, जेहे मार्ग पंडित गए पाछै परी बहीर, एक अवगट घाटी राम की ते चढ़ रहे हो। कबीर ए भाई कल्ला कबीर चलता, पर अर्थ की बनया, सच दे मार्ग उत्ते चलण वालियां दी गिणती सदा घट हुंदी है। आ तुसी जिन्ने बैठे हो, तुसी जिन्ने बैठे हो, तुसी अवगट घाटी राम की चढ़ रहे हो, नहीं नहीं ते लंगर खवा के जिन्नी मर्जी भीड़ ला लो, इत्थे लंगर दे नाम दे उत्ते जिहड़ी मर्जी भीड़ इकट्ठी कर लो, गल तां है बाणी दे नाम दे उत्ते किन्ने आउंदे आ, जिहड़े तुसी बैठे हो ना जिन्ने घट्ट हो, पर तुसी बाणी दे नाम दे उत्ते आउंदे आ, तुसी गुरु की बाणी समझण लई आउंदे आ, इस करके तुसी मुबारक हो गुरमुख, कि तुसी चलदे हो अवगट घाटी दे उपर। तो असी धनवाद करिया करिए गुरु का भी पातशाह साढ़े अंदर तो वो भुख नहीं पैदा की, साढ़े अंदर तो बाणी की भुख। और मैं कहना हूं संगत सवेर दियाँ ठीक ने, कहते घट ने जी, मैं भी घट जरूर ने, पर कथा शुरू होने वेले बैठिया होंगे, एक हों भी 10 मिनट अरदास हो गए उदो चलेंगे, एक हों भी कथा शुरू होने वाली है चलिए जल्दी जल्दी। तो तुसी जिन्हें बैठे हो गुरमुखो तुसी ओ हैं, मैं कहना उन्होंने ठीक है, मैं भागा वाला, मैंने वो संगत मिली हैं जिहड़ियां कथा शुरू होने वेले पहुँचदियाँ, जल्दी जल्दी अर्थ निकल ना जान किते। तो ये कम औखा है, पातशाह कृपा करन, ये अवगट घाटी है जिहड़ी, जिहड़ी भगतां की चाल निराली है, जिहड़ी विखम मार्ग चलना है, सानू उहदे उत्ते चलना आ जाए, असी नाम दे नाल बाणी नाल जुड़िए, पातशाह कृपा करन फतेह बुलाओ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु।